देना, मुझे भी खेलना है, देना। ए, तुम लोगों का शुरू हो गया मस्ती करना, शांति से खाओ। हाँ। ये सब आपकी लाड़ की वजह से हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी शुरू मत हो जा, मैं पहले ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। इतना लेट क्यों हुआ? पिताजी ने खाया? खाया। दवा खा ली? हाँ खा ली। खाना खाऊंगी। पिताजी सो गए क्या? बुक पढ़ रहे होंगे, अभी सोए नहीं होंगे। ठीक है, वो टॉवल देना। मैं गेम खेल रही हूँ। ए, खाना खाते समय शांति से खाना खाओ, इस समय मोबाइल छोड़ो। मुझे गेम खेलना है। खेल मोबाइल दे, खाना खाने के बाद खेलना। ये लीजिए। सुनिए, आपके एमडी ने आज घर पर फोन किया था। तुझे भी फोन कर दिया क्या? अरे आपको तो 4 बजे बुलाया था ना आज। मंडे एडिटिंग है इसलिए। पापा फोन दो ना, खेलना है। जो पहले खाना खत्म करेगा उसी को मोबाइल मिलेगा। मैं पहले खाऊंगी। ठीक है, अच्छे से खाओ। खाओ अच्छे से। सुनिए, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, क्यों लेट हुआ? एमडी ने तुझे फोन किया था ना, फिर क्यों पूछ रही है बार बार? मुझे ये गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है, अब मुझे देना। सुनिए, आपने अलार्म लगा दिया क्या? हाँ हाँ, मैं भूल गया था, सुबह मुझे जल्दी जाना है, 3:15 का अलार्म लगा। आप खुद ही लगा लो ना, फोन इन्हीं के पास तो है यहाँ। ए, खेलना बंद करो, फोन दो। माँ को फोन दो। मुझे दो ना। फोन मुझे दे, सोना नहीं है कि तुम लोगों को? कल तो संडे है ना। पापा को ऑफिस जाना है बेटा। आप ऑफिस क्यों जाते हो पापा, आपको छुट्टी लेनी चाहिए। कल तो बहुत बोल रही है, मार खाएगी मेरे हाथ से। अश्विनी, श्री, अभी तुम दोनों सो रही हो या नहीं? आप कहानी सुनाएंगे क्या? कहानी क्या, तू जरूर मेरे हाथ से मार खाएगी, चलो सो जाओ। तो पापा आप ही सुना दो ना। अश्विनी, दादाजी के पास जाओ, उनके पास बहुत कहानियां हैं, वो सुनाएंगे। पापा बहुत थक गए बेटा। अरे आप भी ना, कम से कम उनको तो चैन से सोने दीजिए, उनके पास क्यों भेज रहे हो? पिताजी लेट सोते हैं। दादाजी अभी तक सोए नहीं होंगे ना। हाँ ठीक है बेटा, दादाजी के पास जाओ। चल चल दादाजी से सुनते हैं। ठीक है चल। ससुर जी बता रहे थे उनके सर में दर्द है, पता नहीं अब ये दोनों क्या परेशान करने वाली है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, चलो छोड़ो। आपका क्या है, आप तो ऑफिस ऑफिस करके चले जाते हैं, छुट्टी के दिन इनको मैं कैसे झेलती हूँ मुझे पता है। उसमें भी वो छोटी वाली है ना, ऐसे ऐसे सवाल करती है कि मैं जवाब नहीं दे पाती। मैं तुमसे सवाल नहीं कर पाता हूँ, कम से कम वो तो सवाल कर पाती है। कल सुबह ऑफिस जाना ऐसा बोल रहे थे ना, भूल गए क्या? चुपचाप सो जाओ। सच बताया तो गुस्सा आ रहा है। ठीक है ठीक है, अलार्म लगा कर लाइट ऑफ कर देना। अरे रे, फोन में चार्ज भी नहीं है। अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? नहीं दादाजी। क्यों? नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है, इसमें क्या देख रही है? क्या दादाजी, इतना छोटा फोन रखा है, पापा जैसा बड़ा फोन रखिए ना। मेरे लिए ये फोन है बस। आपके लिए होगा पर हमें तो गेम खेलना है। गेम खेलने के लिए तेरे पापा का फोन है, उसमें जाकर खेल ले। मम्मी नहीं दे रही है दादाजी। हाँ नहीं दे रही है, ठीक है इसमें खेल ले। अरे इसमें वो गेम नहीं है। इसमें वो गेम नहीं है? नहीं है दादाजी। फिर क्या करेंगे? तो फिर कहानी सुनाएंगे आप? कहानी सुननी है? तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया? कर लिया दादाजी। तो फिर अंदर जाकर टीवी में कोई कार्टून फिल्म देख लो, जाओ। नहीं देखना दादाजी, मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बताती है उसके दादाजी उसे रोज कहानी सुनाते, तो आप हमें क्यों नहीं सुनाते दादाजी? वो मुझसे पूछेगी दादाजी ने कहानी सुनाई है नहीं तो मैं क्या बोलूंगी, इसलिए आप सुना दीजिए। ऐसा है क्या? फिर मैं भी बोलूंगी मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई। किस तरह की कहानी सुनाऊं तुम्हें? दादाजी ये कौन सी बुक है? ये भी एक स्टोरी बुक है। तो फिर इसी की कहानी सुनाओ। ओहो ठीक है ना। ओके ओके, बैठ जाओ बैठ जा, तू भी आ जा, बैठ जा बैठ जा। कहानी शुरू करनी है क्या? मंगलापुरम नाम का एक गांव था, वहाँ एक जमींदार रहता था। जमींदार मतलब? जमींदार मतलब बहुत पैसे वाले, गांव के बड़े आदमी होते हैं वो लोग, हर कोई उन्हें हाथ जोड़कर इज्जत देते हैं। उनके दो बच्चे थे, बड़े बेटे का नाम सूर्य प्रभु, दूसरे बेटे का नाम रुद्र प्रभु। वो दूसरा बेटा है ना रुद्र प्रभु, वो चेन्नई के एक महाविद्यालय में पढ़ रहा है। मतलब कॉलेज ना दादाजी? हाँ कॉलेज ही, कॉलेज में पढ़ रहा है।
उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से रुद्र प्रभु प्यार करने लगा। मतलब लव दादाजी? हमने टीवी पर देखा, अब कहानी सुनाइए। हाँ लव ही है। अरे क्या दादाजी, आपको ये पता नहीं था क्या? देखो जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो बीच में ऐसे सवाल नहीं कर रहे, समझ गई? ठीक है दादाजी। वो रुद्र प्रभु उस लड़की से प्यार करता है ना? मतलब लव ना दादाजी। अरे शब्द को छोड़ क्यों नहीं रही है? ठीक है जाने दे, रुद्र प्रभु उस लड़की से लव करता है, वहाँ से कहानी शुरू करता हूँ। क्या हुआ? पहले हम भैया और भाभी से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे भैया भाभी, जानती हो मेरे भैया भाभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहुत खूबसूरत है ये। इतना लेट? जल्दी किस बात की है? पहले तो तुम मेरी लवर थी लेकिन अब मेरी बीवी हो। लवर लेट आ सकती है लेकिन बीवी लेट नहीं आ सकती। और लेट आई तो? लेट आएगी तो लेट सोना पड़ेगा। आज पूरी रात सोना नहीं है क्या? और कल? कल भी। अच्छा मैं जब से आई हूँ तब से एक सवाल पूछना है। घर में भैया की फोटो, भाभी की फोटो, सासू माँ की फोटो है, ससुर जी की फोटो कहाँ है? क्यों? मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है ना। घर में वही सबसे बड़े हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद तो लेना ही होगा ना। उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पहले ये दूध पी लो। पहले आप पीजिए। अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं, तुम दूध पी लो। अच्छा एक और बात बोल। देखो ये बात करने की जगह तो नहीं है। तो ये कैसी जगह है? थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कैसे हो गया? ये घर पुराना है ना, स्विच लूज हो गया होगा, मैं देखता हूँ। ऐसा लग रहा है कि
कि हमारी पहली रात आज उजाले में ही होगी। ऐसे नहीं चलेगा, लाइट ऑफ कर दीजिए। छोड़ो ना उसे, जाइए ना। मेघना घबराओ मत, मैं हूँ। मेघना डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो उठो। मेघना घबराओ मत, मैं हूँ ना, आओ उठो। अच्छा थोड़ा आराम करो, नहीं तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम सो जाओ। ये कौन है? मालिक, ये पशुपति की बीवी है। क्या चाहिए? आपसे मिलने आई है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। जी आप कहिए, क्या बात है? मेरे पति ने इस घर के लिए बहुत वफादारी की है, बहुत सेवा करी है, और अब वो जेल में है मालिक। पशुपति अपने घर में काम करता था, अपने बड़े मालिक है ना, उसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। दिन में 100 बार उसका नाम लेकर पशुपति पशुपति बुलाते रहते थे, और वो भी बड़े मालिक के हर आदेश का पालन करता था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मालिक, वो बहुत सीधे हैं। मूर्ति की चोरी करी है, सब गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। भाभी, लेकिन उस दिन अगर ये घटना नहीं होती ना, तो हमारे बड़े मालिक आज हम सब के बीच जिंदा होते। मिलने जाती हूँ तो मिलने नहीं देते हैं मालिक। ठीक है, मैं वकील से मिलकर बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मालिक, मैं आपके भरोसे हूँ मालिक, जब तक बड़े मालिक थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, आप उठिए, मैं वकील से जरूर बात करूंगा, जो भी खर्च होगा वो मैं देख लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप अभी घर जाइए, मैं हूँ ना। ठीक है मालिक। अच्छा, तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हो? मैं बचपन से यहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन बड़े मालिक के गुजरने के बाद ही मैं इस घर में काम करने लगी, क्योंकि इस घर में तो मुझसे पहले बड़े पापा काम करते थे ना। ओह, अच्छा आप हॉस्पिटल गई थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा? चेक तो किया, मगर कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। कुछ नहीं, फिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? पता नहीं, आयुर्वेदिक दवा वो खाने से सेहत बहुत अच्छी होती है, आप 4-5 दिन लगातार पियो, शरीर के अंदर जो भी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा अंजलि, तुमने डॉक्टर की पढ़ाई की तो इस घर में क्यों काम कर रही हो? जाओ मालकिन, आप हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती हो, मैं जाकर दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, ओके। मैं और आप बिल्कुल एक जैसे है ना। हम दोनों एक कैसे हुए? देखिए ना, हमारी शादी के लिए मेरे पापा राजी नहीं थे, और आपके पापा भी राजी नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आज मेरा भाई जिंदा होता तो बहुत धूमधाम से हम दोनों की शादी करवाता, तुम्हारे पापा मेरे पापा दोनों को मना कर शादी में जरूर लाता। तुम्हें एक बात पता है, हमारे प्यार के बारे में मैंने सिर्फ अपने भाई को बताया था, पता है वो क्या बोले थे? क्या कहा उन्होंने? क्यों भैया, भाभी चली गई है इसलिए उदास हो क्या? वो सब रहने दे, तूने उसको बताया ना, मुझे नहीं बताएगा क्या? अपने भाई से छुपाएगा? उसके बोलने के बाद तेरे भाई को पता चला कि मेरे भाई के दिल में क्या है? ये क्या बोल रहे हो? तेरे प्यार के बारे में। अच्छा वो बात भाभी ने बताई क्या? उसको तू जो कुछ भी बताता है वो मुझे बताती है। आपको बताऊं या भाभी को बताऊं, बात तो एक ही हुई ना मेरे लिए। अभी क्या है, तेरे बारे में पापा से बात करनी है, बस इतना ही ना। पापा मान तो जाएंगे ना? पापा का राजी होना मुश्किल है, बुआ की शादी में तो तूने देखा ही था ना, पापा ने सारे रिश्तेदारों से झगड़ा किया था,
भैया आप भी ऐसी बात कर रहे हो, मैं पापा के सामने कैसे? रुक जा, पापा इधर उधर पंचायत में घूम रहे हैं, वो सब खत्म हो जाने दे। अच्छा समय देखकर मैं उनसे तेरी शादी के बारे में बात करता हूँ। शादी की बहुत जल्दी है क्या? क्या भैया? अपने परिवार में आखिरी शादी तेरी है, वो तेरी इच्छा से होनी चाहिए। तू घबरा मत, मैं तेरे लिए पापा से बात करूंगा। थैंक्स भैया। अब चल। अच्छा जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो होने वाला है उसे हम जरूर बदल सकते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों की शादी में किसी ने हमारी हेल्प की थी, आपने कहा था ना। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वही पशुपति। हाँ। उसे किसी तरह आप कोशिश करके बाहर निकालिए ना, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए ना। सुन रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुमने याद दिलवा दिया, घर पहुँचते मुझे वकील से बात करनी है। हेलो। हेलो सर, मैं रत्नावल का बेटा रुद्र प्रभु बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर मेरे घर में पशुपति काम करता था, उसके केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ वो मैंने सुना, बोलिए। उसके लिए क्या जमानत दिलवाने की आप कोशिश कर सकते हैं? हाँ हो जाएगा सर। वकील साहब वैसे उस केस की डिटेल्स आपको पता है क्या? हाँ मुझे केस के बारे में पता चला था, लेकिन डिटेल्स मुझे पता नहीं। मैं एफ आई आर देख के बोलता हूँ सर। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। देख लेता हूँ सर, हो जाएगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके सर। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? नहीं वो कल रात को। कल रात के लिए तुम और कितना माफी मांगोगी मुझसे? पर सच बोल रही हूँ, मुझे है ना। देखो रात तो गुजर गई लेकिन दिन अब भी बाकी है, क्यों ना हम दिन में। ये क्या कह रहे हैं? अभी हम कुछ और बात करते हैं ना। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि हम दोनों कुछ और ही बात करते हैं। आपको गांव भी तो जाना है ना, मेरे पापा से मिलना है ना। पर तुम्हारे पापा तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, एक लड़की को उसके पापा पढ़ाते लिखाते हैं और लड़का उसे ऐसे ही ले जाता है। और आपको पता है मेरे पापा आजादी की लड़ाई लड़ चुके हैं। ठीक है वो बात मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग बड़ा घर देखकर अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा, मैं तो उनके पैरों में भी गिर गया मगर वो माने नहीं। अपने उसूलों के खातिर वो जानबूझकर हमारी शादी में भी नहीं आए। हाँ लेकिन पापा के बिना मैंने शादी कर ली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार मैं उनसे मिलना चाहती, मुझे उनके पास ले चलोगे? ए हम शादी के बाद उनके पास गए थे ना, उन्होंने हमारे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया था, एक बार भी हमसे बात नहीं की। पापा थोड़े गुस्से वाले तो है, लेकिन हम अपने बेटे का नाम गांधी रखेंगे ना, तो वो जरूर मान जाएंगे। चलते हैं। कहाँ? हम दोनों का एक छोटा सा गांधी लाने के लिए। आप हर वक्त बस यही सोचते रहते हैं ना? नहीं अभी तो तुमने ही कहा ना, वैसे भी रात में मैंने नहीं तुमने कहा था। छी जाइए ना। हम पापा से मिलेंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर वो हमारे साथ आ गए तो कितना अच्छा होगा, हम उन्हें अपने साथ रखेंगे ना। जरूर रखेंगे। क्या हुआ? किधर? क्या कहा है? दूध। अभी तो डाइनिंग टेबल पर आपने पिया था ना। पर कल तो तुम लेकर आई थी। कल तो फर्स्ट नाइट थी इसलिए। फर्स्ट नाइट? पूरी नाइट वेस्ट हो गई, आज होगी हमारी फर्स्ट नाइट। ओह ठीक है मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। हाथ उठाइए ना, पहले जाकर लाइट ऑफ कीजिए, मुझे शर्म आती है। हाथ हटा। क्या हुआ मेघना? हाथ हटा मेघना। सही कह रही हूँ, चल बाहर जा। दिन में तो उसका मूड अच्छा था, इसे रात में क्या हो जाता है।
पूरा मूड ऑफ कर दिया इसने। क्या हुआ? एफआईआर देखा? हाँ, एफआईआर देखा सर। गुंटूर में रखकर सुब्बा राव नाम के क्रिमिनल को अरेस्ट किया है सर। जब इंक्वायरी हुई तो वो इस चोरी में भी शामिल है पता चला सर। बहुत लोगों का नाम लिया, उसमें नाम पशुपति का भी है। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया है सर। इसमें जो बेगुनाह थे उनको पुलिस ने रिलीज कर दिया। सबको नहीं सर, गाँव वालों की कम्प्लेन पर पशुपति को रिमांड पर रखा है। ठीक है, एक काम कीजिए, इंस्पेक्टर से बात करके एफआईआर कॉपी लाकर मुझे दो, फिर मैं देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये इतना बड़ा केस नहीं है जो जमानत पे बाहर नहीं आ सकता। वो हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा था। मुझे अच्छी तरह पता है, ये आप मुझे मत बताइए। जब बड़े साहब थे मैं तब से उनको जानता हूँ, वो आपके पापा की आखिरी सांस तक उनका देखभाल किया। क्या कर सकते हैं, बुरा वक्त आ गया। हाँ, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर लिया, वो इनका साथ दिया ऐसा बोल रहा है, बस इतना ही। अरे वो ऐसा इंसान नहीं है। वो सब मैं देखता हूँ, पुलिस हमेशा बड़ा छड़ा कर तो लिखती है ना, वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा, आप लोग क्या लेंगे? सुबह जी मालिक, नारियल पानी ले आओ। जी मालिक, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जाओ। आप मेहमान नवाजी करने में बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। इसमें एक साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो हो चुकी है, जमीन हो जाएगी, फिक्र मत करना। ठीक है। मैडम को याद किया है, ऐसा बोल देना उनको। अच्छा, नमस्ते। चल नमस्ते। मालकिन, फोटो क्यों देख रही हो? हाँ? पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी, बहुत छोटी सी उम्र में दोनों चल बसे। अच्छा अंजलि, ससुर जी की फोटो क्यों नहीं लगी है? वो भी इधर ही लगी हुई थी, क्या हुआ पता नहीं। छोटे मालिक ने उसे यहाँ से हटा कर, पुराना सामान रखते है ना, उस रूम में फोटो को रख दिया है। मुझे पता भी नहीं वो कैसे दिखते थे। ओ, आप जमींदार साहब को देखी नहीं है ना? जमींदार साहब का फोटो देखना है क्या? मालिक एकदम शांत स्वभाव के थे। अच्छा, इस घर का गोडाउन कहाँ है? मालकिन, आप कहो तो पुराना सामान रखते हैं, उस रूम में लेकर जाती हूँ। मैं आपको मालिक की फोटो दिखाती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, किसी को नहीं बोलूंगी। अब चलें क्या? हाँ आइए। हाँ, चलो। यहीं कहीं तो फोटो रखा था। अंजलि, यही फोटो है क्या? हा? नहीं नहीं, वो फोटो नहीं है मालकिन। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती से हो गया। अगर छोटे मालिक ने सुन लिया तो हम तो गए। जानती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। संभल कर कुछ और मत गिरा देना। मालकिन यही फोटो है। ये वाली? हाँ हाँ मालकिन, यही फोटो है। जल्दी निकालो। हाँ हाँ, मैं निकालती हूँ। हाँ।
अरे हाँ अंजलि, जैसा तुमने कहा ये बिल्कुल राजा जैसे ही दिखते हैं। इसे रख दीजिए और चलते हैं यहाँ से, कहीं मालिक ना आ जाए। ठीक है चलो। फोटो लेकर कहाँ जा रही है, यहाँ पर रख दीजिए उसे। नहीं मैं इसे हॉल में रखूंगी। मैं फंस जाऊंगी मालकिन, रख दीजिए। तुम नहीं फंसोगी, मैं छोटे मालिक से बात कर लूंगी। अरे नहीं मालकिन, मेरी बात मानिए। नहीं सुनिए ना, सुनिए मालकिन। ये फोटो यहाँ पर कैसे आई, जवाब दो। मालिक, मालकिन ने वो, उसको कैसे मिली है? मालकिन ने कहा कि उन्होंने बड़े मालिक की फोटो नहीं देखी है, इसीलिए मैंने। अगर तुमने दोबारा कोई भी ऐसा काम किया ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा मैं। इस कचरे को साफ करो यहाँ से, देख क्या रही, उठाकर फेंको इसे। दोबारा ये फोटो अंदर नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है मालिक। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन छोटी मालकिन ने सुना ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी पूरी जिंदगी साथ जी लेते हैं। लेकिन हम एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद भी एक साथ पूरी जिंदगी नहीं जी पाए। मेघना, भैया का फोटो क्यों देख रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? हमारे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या बात है, जमींदार का बेटा यहाँ बैठा है? हाँ बेटा, क्या बात है बेटा, आप इधर बैठे हो? नहीं स्वामी जी, बस ऐसे ही, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। कुछ भी हो आप मुझसे मत छुपाओ बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जब से मेरी शादी हुई है मैं खुश नहीं हूँ स्वामी जी। मेघना दिन में तो ठीक रहती है लेकिन रात में पता नहीं उसे क्या हो जाता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने परिवार की कुंडली लाकर ज्योतिष को दिखाइए, अगर कोई दोष होगा तो उसके उपाय का हल निकालेंगे। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है स्वामी जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कुंडली लेकर के ज्योतिष के पास जाना ही चाहिए। स्वामी जी आपने तो कह दिया, लेकिन भगवान भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी। दूध ले लीजिए स्वामी जी। मुझे नहीं चाहिए बेटी। लीजिए ना स्वामी जी। नहीं नहीं मालिक, नहीं आप लेंगे। जाओ। अपनी कुंडली तुमने मेरे हाथ में दे दिया ना, अब कोई चिंता मत करो, मैं घर जाकर तुम्हारी कुंडली को देखता हूँ, क्या उपाय करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है स्वामी जी। लेकिन इस घर में जिनकी मृत्यु हुई उनका क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ, इसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। बेटा जब आपके पिताजी जीवित थे तब आपके कुल देवता की विधि विधान से हमेशा पूजा होते रहती थी,
लेकिन अभी तुम्हारे कुल देवता की विधि विधान से पूजा नहीं होती है। पहले वो पूजा शुरू करो। ठीक है स्वामी जी। उसके बाद अगर कोई समस्या आए तो मुझे फोन कर देना। ठीक है स्वामी जी। मैं घर जाकर इस समस्या का समाधान निकालता हूँ। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बोलो। मेरी देखभाल नहीं की आप लोगों ने, मेरा मंदिर खंडर बन गया है। ये तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या? जब तक बड़े मालिक थे तब तक वो मेरी देखभाल कर रहे थे, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ कीजिए ना स्वामी। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंदिर के दरवाजे को ताला लगाओ। समय आएगा, तब तक आप इंतजार करो। ये स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? मालकिन को कुछ हो गया है, उनके कमरे से बहुत आवाज आ रही है और खटिया भी हिल रही है। मालिक आप जल्दी जाइए। हेलो हेलो, स्वामीनाथ जी हैं क्या? रुकिए पापा को देती हूँ। हाँ बोलो, मैं स्वामी जी बोल रहा हूँ। स्वामी जी, मैं रुद्र प्रभु, रत्नावल का बेटा। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। क्या आपने कुंडली देखी? मैं तुमको फोन करने वाला था, अच्छा हुआ तुमने किया। अब वो कैसी है? उसकी हालत अच्छी नहीं है स्वामी जी। मैंने कुंडली देख ली है, समस्या बहुत बड़ी है। उसकी जीवन रेखा बहुत ही कमजोर है, बुरे ग्रहों का असर भी है, इसीलिए उसको ऐसी तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कुंडली में भी यही दिख रहा है। लेकिन स्वामी जी, ये समस्या तो और बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने गुरुजी से जाकर मिलता हूँ, वो इसका हल जरूर निकाल देंगे। उनसे बात करने के बाद मैं सीधा तुम्हारे घर पर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, फोन रखता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, मैं एडवोकेट सुनील तिवारी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैंने बोला था ना, ही इज सेफ, जमानत मिल गया है, वो इधर ही है। ये अच्छी बात है। आपको तो मैं इसको आपके घर पे भेजू क्या? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, आप उसको जल्दी भेज दीजिए। कैसे भी करके 7 बजे तक पहुँच जाएगा। थोड़ा और जल्दी भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। उसे बोलिए कि वो जमींदार के यहाँ रहे। ओह ऐसा है क्या? ओके सर, आप बाहर जा रहे हो क्या? हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, मैं रखता हूँ। पशुपति, तू एक काम कर, छोटे मालिक ने अपने घर पे बुलाया है तुझे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तू कहे तो मैं तुझे छोड़ दूं। नहीं सर, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ऐसा है क्या? ठीक है, संभाल कर जाओ तुम। ठीक है, जाओ।
उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई इसलिए मैंने आपको बुलाया। मेरे गुरुजी ने उपाय बता दिया है, चिंता मत करो। मालिक, 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 सुनिए तो, मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी? क्यों? मालकिन इस हालत में है और मैं अकेली। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, पशुपति आने वाला है, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। अंजलि, आती हूँ मालकिन। अरे अंजलि, कहाँ गई थी तू? बोलिए मालकिन। एक बार बुलाने से क्यों नहीं आई? कहाँ गया वो? कौन मालकिन? वही मेरा पति। मालकिन, मालिक बाहर किसी से मिलने गए हैं। किससे? पता नहीं मालकिन। झूठ बोल रही है? सच बोल रही हूँ, पता नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ कि तुझे सब पता है, और ये भी कि वो मेरे बारे में सब जान गया है। खबरदार जो मुझसे पंगा लिया। नहीं, मुझसे पंगा मत लेना, चल जा। मालकिन ऐसा क्यों कह रही है? डर लग रहा है, क्या करूं, भाग जाऊं क्या? रही थी तू मुझे बंद कर देगी, तू मुझे कैद करेगी क्या? क्यों मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही है? आ गया क्या वो? कहाँ है वो, बता कहाँ है वो? मालकिन, मालिक तो सुबह ही आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तुझे? तो जा यहाँ से, घर से बाहर चली जा। मैं तो यहाँ इसी कमरे में रहूंगी, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तू जा सकती है, जा। हाँ, मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। जगह है क्या स्वामी जी? हाँ, यही जगह है, गाड़ी साइड में लगा लो। आत्मा का साया है, किसी उम्मीद के साथ वो आत्मा यहां आई है। जो चीज वो यहां ढूंढने आई है वो उसको मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी। आपके घर में हाल फिलहाल कोई हिंसात्मक तरीके से मौत हुई है क्या? जी हां स्वामी जी। हर काम के पीछे कोई वजह होती है। आपके घर में जो हिंसात्मक घटना हुई, क्या क्या हुआ सब विस्तार से बताओ।
मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी थी। बहुत हंसता खेलता परिवार था हमारा स्वामी जी। जमींदार क्या कर रहा हो ना? अरे आइए जमींदार। अरे 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 एकदम मजनू की तरह दिख रहे हो। उसके अलावा और खूबसूरती चाहिए क्या? मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ क्या तुझे? मैं कसम खाकर कहता हूँ इस गांव में आपके मुकाबले में और कोई नहीं है। अरे 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 ये देखा आपने, ये देखा आपने? अरे इसको कितनी बार देखूंगा रे कुंजीदा बादाम, पहले धोती तो नीचे कर। जमींदार आप एक जमींदार हो, आपको शामिल किए बिना उस घर में पंचायत किया जा रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा। वही तो, क्या चल रहा है पंचायत में? वो कुछ खास बात नहीं है, छोटा सा एक नारियल चोरी हो गया था। आप एक जमींदार हो ये बात लोग भूल चुके हैं, पहले जाके न्याय मांगो अभी। वही तो, आप ये कैसे मांग सकते हो? इस जमींदारी परंपरा में इसकी दादी की दादी ने जो गलती की है। जमींदार नहीं, गाड़ी तैयार करो, कर देते हैं के लिए जाएंगे। ए मोटो चलो चलते हैं। अरे जा रहे जल्दी, आप जल्दी आओ, गाड़ी साफ करो, जल्दी जाओ। इस बेवकूफ जमींदार के पास काम करना हमारा बुरा नसीब है। ये ले साइकिल साफ कर। अरे पागल है क्या? अगर मुझे लग जाता तो पकड़ इसको, थोड़ा पास में जल्दी कर। इस साइकिल को अच्छे से पहुंच। तू क्या कर रहा है, तू भी पहुंच। ये क्या बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको पहुंचने के लिए दो आदमी चाहिए। तू ज्यादा बोल मत। ये देख नया ताला लगा कर रखा है। ये क्या बहुत बड़ी कार है जो इसको साफ करने के लिए दो दो आदमी लगा रखे हैं। ये जमींदार भी बड़ा अजीब इंसान है यार। अरे तेरे डर की वजह से। ए कुंजी। ए तुमने क्या बोला? कुंजी बोला। जरा इज्जत से बात कर। अरे क्या हुआ? कुंजी नहीं है, कुंजीदा बादम। ठीक है कुंजीदा बादम, ठीक है तू कुंजी करके बोला। अच्छा वो 400 भी जमींदार की दादी के बारे में क्या? हाँ, है वो मुझे अभी जानना है। हाँ वो मैं नहीं बताऊंगा। तू नहीं बताएगा? बोल रहे नहीं बताऊंगा, बोला ना। ए देख उस रहस्य को किसी को नहीं बताना है। ये तुमने मुझसे कसम लिया है, ये बात मैं जमींदार को बता दूंगा, समझा? मैंने कब बोला? तूने अभी तो बताया। मैंने तो बोला ही नहीं। तूने बोला। अच्छा ठीक है, आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। चल बोल। अरे वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तुझे? अरे मैंने बातों बातों में बता दिया। फिर बोल यार, वो मामला क्या है ना कि अदानी की दादी की दादी जो है ना, उन्होंने क्या किया था, अपना रत्नावेल मालिक है ना, उनके दादा के दादा के पास काम किया था। उन दोनों ने ये अच्छा काम किया था, उस परंपरा में आया हुआ ये 420 जमींदार है। अरे रे रे रे, छी छी छी। अरे वो 420 आ रहा है। अरे अरे वो जमींदार आ रहा है, जमींदार आ रहा है। पहले ही कहा था तुझे लग जाएगा। गाड़ी को ठीक से पहुंच दिया ना? हो गया हो गया। अभी तक तुम पहुंच ही रहे हो क्या? हो गया। बड़ा एम्बेसडर कार है जो पूछ रहा है, पहुंच दिया। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? अरे वो कुछ नहीं जमींदार, मैं इस गाड़ी की तारीफ कर रहा था। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, चलाओ शुरू करो, पंचायत खत्म ना हो जाए कहीं। स्टैंड निकालो, स्टैंड निकालो। पता है ना तुझे, निकाल जाइए जमींदार। हैं 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 हैं। एक कंजू रुक जा, चलो। अरे ये क्यों साइकिल को धक्का मार के ले जा रहा है? वो कुछ नहीं है रे, इसने कई जगह मार खाया है जिसकी वजह से इसकी हड्डी पसली टूटी फूटी है, इसलिए वो ऐसा चलता है। लकड़ी लेकर चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ये बात है क्या, एक साइकिल को भी धक्का नहीं दे पा रहा है। अच्छा कुंजू, इसकी दादी को जमींदार ने रखा था, ठीक है, ये इस साइकिल को रखा है, तो इसकी माँ को किसने? वहाँ क्या कर रहे हो फसर फसर? आ रहे आ रहे हम लोग आ रहे। वही तो। मालिक ये पहली बार नहीं है, ऐसा इसने कई बार किया है। मैं और मेरे साले ने पूरी रात जागकर इसको पकड़ कर यहाँ लाए हैं। मालिक मैंने इसको कई बार कहा कि सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन ये सुधर ही नहीं रहे। मेरे परिवार की इज्जत जा रही है। मालिक आपका लाख लाख एहसान होगा, आप इनको कोई ऐसी सजा दीजिए जिससे ये सुधर जाए। मालिक ठीक है, सबका कहना है कि तू गुनहगार है, कबूल करता है?
ए तुमको एक दो क्या? मालिक मैंने इनको कई बार समझाया सुधर जाओ लेकिन ये सुधर ही नहीं रहे हैं। मेरे परिवार की इज्जत जा रही है। मालिक आप ही इन्हें कुछ समझाइए अभी। कैसे होगा, गांव के किसी बड़े इंसान को ये फैसला करना चाहिए ना। कौन है इस गांव में बड़ा इंसान? मैं हूँ ना, मैं हूँ कि नहीं? अरे हम लोग तो इसको इंसानों में गिनती ही नहीं करते और ये खुद को गांव का बड़ा आदमी बताता है। ये कौन है तुमको पता है? अगर मालूम पड़ेगा ना तो तू इस तरह बात नहीं करेगा। इसकी दादी। सुनो भाई, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तुम्हें शुरू से नहीं बता सकता। देखो भाई, अगर तुम अपनी गलती मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप चुप ही रहो, ये काफी है। तुम ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? मेरी भी अपनी इज्जत है कि नहीं यहाँ? ठीक है, वो सब छोड़िए, ये जो कहना चाहती हैं कहने दीजिए। अरे रे, इन्होंने अचानक पूछ लिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती करवा रहे हो क्या? तुम लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया? क्यों रे, इन लोगों ने नहीं बुलाया था क्या? अरे सुनना, इसकी दादी के बारे में बताते हैं, शायद इसकी वजह से आप लोगों को इज्जत मिलेगी। तो कुछ मत बोल, तू अपना मुंह बंद करके शांति से खड़े रह। वो जो बोलने वाला है बोलने देना। ये कुछ बोलेगा तो शायद मुझे इज्जत मिल जाए। अरे भाई, उसे बोलने देना। मालिक, आप इस इंसान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? जल्दी से कोई फैसला सुनाइए। ठीक है, एक काम करो। जी मालिक। अभी नारियल का काम बाकी है ना? हाँ बाकी है मालिक। उसको वो सारा काम करने के लिए बोल। ठीक है मालिक। उसकी मजदूरी आप ले लो। ठीक है मालिक। इसके घर वापस आने तक आप घर का सारा राशन पशुपति से ले लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मालिक, उसको उठाकर गोडाउन में डाल। ठीक है मालिक। हे, जाओ। चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। भैया क्या हुआ? भैया आखिर बात क्या है? वो इनबा भाभी, क्या हुआ उन्हें? वो यहां नहीं है तो ठीक नहीं लग रहा है। इतने दिन एक साथ थे और वो चली गई तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ, ये बात है। भैया मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। आप फिक्र मत कीजिए, चार पांच महीने में छोटा मेहमान आने वाला है, सब ठीक होगा। चलो खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना है, तू जाकर खा ले। देखो भाभी दूसरे गांव में ही रहती है, हम कार से जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, आ जाओ। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते। आप कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? नहीं, बस मंदिर तक जा रहा। हम लोग आपसे ही मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, भगवान का बहुत शुक्रिया। एक मिनट। मालिक तू मंदिर जाकर दिया जला, भगवान की पूजा कर लेना। ठीक है मालिक। मेरा आने का इंतजार मत करना, ज्योतिष ने जो बोला सब करना, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है मालिक। ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझसे मिलने आए? खेती बाड़ी का सारा पानी बेकार जा रहा है और इसी बारे में आपसे बात करनी थी। ये इस तरफ कहाँ जा रहा है? ये तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है। ए पशुपति। चल इधर आ। तू इधर आ। क्यों बुलाया? एक बड़े आदमी को देखकर भी तो बिना कुछ बोले जा रहा था ना। मुझे बहुत काम है। तो क्या मुझे कोई काम नहीं है? मैं यहाँ का जमींदार हूँ। हैं? किस नाते से? तू अभी बहुत छोटा है, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, मुझे मंदिर जाकर दिया जलाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाना भाई, वो काम वाली को मैं कितने दिनों से काम पर आ जा कह रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। आखिर क्या कारण है? उसको पता है कि तू उसे किस काम के लिए बुला रहा है, इसलिए वो नहीं आ रही है। अच्छा वो सब छोड़, उस दिन जो फंक्शन में पीली साड़ी पहनकर डांस कर रही थी वो कहाँ की है, तुझे पता है? मैं तुम्हें दिखने में ऐसा वैसा लगता हूँ क्या? मंदिर जाते वक्त तुम मुझसे ऐसी वैसी बातें कर रहे हो, जिस दिन दिमाग मेरा सटक गया ना, बच के रहना मुझसे।
आप ही उन्हें बोलेंगे तो सही रहेगा मालिक। आप भी पानी लीजिए और उनको भी पानी लेने दीजिए, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। सही कहा। इस मामले को लेकर मैं कलेक्टर से बात कर चुका हूँ। ठीक है मालिक। कलेक्टर जब मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अच्छा होगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। नमस्ते। नमस्ते जी मालिक। जी मालिक। चले क्या मालिक? मिलते हैं मालिक। सिंगापुर का काम धंधा कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है, पर एक तकलीफ है, बार बार यहाँ नहीं आया जा रहा है। नमस्ते। बैठ जा। ये कौन है जानता है? ये वल्ली के चाचा हैं, सिंगापुर में बिजनेस करते हैं। छोटा वाला यही है क्या? मैं शादी में नहीं आ पाया था ना। ये मेरा छोटा बेटा है रुद्र प्रभु। नमस्ते, नमस्ते। बेटा, आपने अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आप जो भी तारीफ कर रहे हैं उसका सारा श्रेय इसकी माँ को जाता है। इस जमींदारी परंपरा के बारे में नया क्या है? मैं बस आपकी बहू से मिलकर निकलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर हम चलते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा, मैं निकलता हूँ, मेरी बात याद रखिएगा। जरूर, आपका काम हो जाएगा। आपका बड़ा बेटा नहीं दिखा? ठीक है। भैया कहाँ है? अपने रूम में है। ओह, ये आज के जमाने के लड़के हैं, दो दिन से उसका चेहरा उतरा हुआ है। कहो तो तेरे भाई को साथ भेजूं? नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा। आइए। ए, तुमने काम खत्म नहीं किया क्या? तो देख रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है ठीक है, खाना रख दिया है, खाना खाकर काम करो। तेरा खाना खाने से अच्छा है कि मैं दो नारियल खा लूँ। तुम ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो एक महीने तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। ऐसा भी है क्या? बस हो गया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं पापा? हाँ बेटा, कार रेडी है? हाँ रेडी है पापा। वामनबाड़ी में पंचायत है, वहाँ जाना है। सूर्य कहाँ है? मैं आ गया पापा। क्या हुआ, वो क्यों उतरा है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, भाभी के मायके जाने के बाद ये ऐसा ही है पापा। कुछ दिनों की बात है, वो आ जाएगी, चाहे तो उससे मिलकर आ जा। ठीक है पापा। बेटी तू कब आई? आज सुबह ही ससुर जी। ओ, किसके साथ आई? माँ के साथ आई क्या? नहीं ससुर जी, जब चाचा जी के साथ रुद्र घर पर आया था तो इसने इनका हाल बताया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा इस साल तुम पति के साथ रहोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अभी मत जाओ सुबह चली जाना, ऐसा बोली। और सुबह रुद्र मुझे यहाँ पर लेकर आया। अच्छा किया बेटी, इस हाल में ज्यादा ट्रैवल करोगी और कुछ हो गया तो पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। नमस्ते नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते। आइए। पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? कुछ बढ़िया चल रहा है मालिक। फिर क्या बात है? दरअसल हमें एक दिक्कत है, अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे कहें। ठीक है, जो भी बात है बात ऐसी है मालिक, वो मंदिर को पेंट करना है और वो घोड़े को भी पेंट करवाए, 4-5 साल हो गए, उसे भी कर देंगे तो अच्छा होगा। बस इतना ही ना। हाँ। इसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बस इतना ही, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, घर पे आके ले लेना। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। आरती लीजिए। मुझे सब पता है, मैंने तुझे बोला था ना। नहीं नहीं जमींदार, देखिए वहाँ पर क्या अन्याय हो रहा है। और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वो देखिए वहाँ पर आपके बिना पंचायत हो रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से आ गए। यहाँ क्या पंचायत हो रही है? यहाँ कोई पंचायत नहीं चल रही। आप पूछिए जमींदार, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऐसे ही है। क्यों भाई राम रतन, मैं तुम्हारा काम हल्का करने आया हूँ तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मुझे? इस गाँव में मेरे अलावा तुम्हारी भलाई चाहने वाला कोई भी नहीं है।
सुनकर खुशी हुई। ठीक है आप लोगों की समस्या क्या है वो हमारे जमींदार को क्या लगता है कि हमारे इतने बुरे दिन आए हैं कि हम तुम्हें अपनी समस्या बताएं? अरे कुंजू बोल रहे हमको पूछ तो जरा यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? भीड़ नहीं लगी है, भगवान के बारे में बात हो रही है। शंभुनाथ लगता है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तूने तो घोड़ा खरीदा है ना? अरे वाह क्या घोड़ा खरीदा है, बड़ा लकी है तू तो है। ए, वो भी ऐसा घोड़ा लिया है जो लात नहीं मारता है, ये बहुत लकी है। ए, लगता है तूने कोई घोड़ा खरीद रखा हो। ओ, मंदिर वाला घोड़ा। अरे मंदिर के घोड़े को सफेद कलर क्यों मारना है, काला कलर भी तो मार सकते हैं। वही तो। ए, मंदिर के घोड़े को सफेद कलर लगाया जाता है, काला रंग नहीं लगाते, समझा? चलो ठीक है ठीक है। राम रतन इन लोगों पर भरोसा मत करना, तुम्हारे घर को कलर पेंट करवाने के बहाने तुम्हारे पैसे वैसे लूट कर भाग जाएंगे ये लोग। हम लोग यहाँ अच्छी बात कर रहे हैं और तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। रुक जाइए। अरे सुन है? इस बेचारे इंसान को तू उधर फंसा दिया है, ये तुझे अच्छा लगता है क्या? तू जरा अपना मुंह बंद करेगा। सुन मुझे बता हम इस गाँव में कब बड़े इंसान बनेंगे? ये इंसान हर जगह से मार खाकर मरेगा तभी हम बड़े बनेंगे। हाँ। घर के मैटर के बारे में भूल गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मार खाने दो। मार खाने दे। इसकी नजर और उसकी नजर सिर्फ पैसे पर रहती है, ध्यान रखना। ए, ए? थोड़ी देर और रुकाना तू तु, तो तुझे मार के खा जाऊंगा। चल जा, जा। ठीक है ठीक है। ये लोग तो मारने पीटने की बात कर रहे हैं, इतना होने के बाद मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस जमींदार की यहाँ इज्जत नहीं होने वाली। ए, गाड़ी निकालो। ठीक है उन्हें छोड़ दीजिए, आप शाम को घर आ जाएं, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगा। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते चलो चले। ससुर जी दूध पी लीजिए। तुमने दूध पी लिया? मैं पी लूंगी, पहले आप पी लीजिए। ठीक है बेटी। इनबा अब तक तुम सोई नहीं, क्या कर रही हो? मैं आपके भाई को दूध देकर आती हूँ, आप जाइए सो जाइए। क्यों वो आकर खुद पी नहीं सकता? तू सारा काम खुद कर रही है, ये बेलू और पशुपति कहाँ गए हैं, तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों डांट रहा है इसे? नहीं पापा ऐसे ही। इसको दूध दे दो। लो खुद ही आ गया, इसे भी दूध दे। आप दूध ले लो। क्यों पापा को यहाँ लाकर दे सकती हो और मुझे नहीं दोगी, मेरे रूम में भिजवाओ। ठीक है आप जाओ। सब लोग इससे काम करवाएंगे तो कैसे चलेगा पापा? ए तू ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है, तुझे सब पता नहीं है क्या? इस हाल में अगर ये घर का काम करेगी तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, ये आ जाएगी। जा तू जाकर सो जा, जा। जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करो पूरा काम करके आना। जाकर उसे दूध दे दे। ठीक है ससुर जी। सुनिए सो गए क्या? नहीं। ठीक है दूध पीकर सो जाइए। मुझे नहीं चाहिए। मुझसे नाराज हो क्या? हाँ हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें घर का काम करने से मना किया है लेकिन तू सुनती नहीं है, और पापा भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ससुर जी ही नहीं मेरी माँ भी कह रही थी इस हाल में घर का काम करना अच्छा होता है। कुछ भी करो जाओ। ठीक है दूध तो पीकर सो जाओ। तुम खुद पी लो। मैंने तो पी लिया है, आप पी लीजिए ना। ठीक है तू आधा मैं आधा। ठीक है आधा आपके बेटे के लिए और आधा आपके लिए, आप पीजिए। ठीक है अब आप सो जाइए।
इन्बावली कहाँ चली गई? इन्बा किधर गई? इन्बावली 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 रुद्रा क्या हुआ? सूर्य की आवाज सुनाई थी? भाभी कहीं चली गई है, भैया उनको ढूंढ रहे हैं। इतनी सी बात है, यहीं कहीं होगी, जाकर ढूंढो उसे। नहीं पापा, पूरे घर में भाभी कहीं भी नहीं है, भैया बाहर ढूंढने गए हैं। तुम लोगों ने ठीक से नहीं ढूंढा होगा, जाओ देखो। भैया बाहर ढूंढने गए हैं और सुब्बुर वेलू भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तू भी जाकर ढूंढ। वो इस वक्त कहां जा सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक, मालिक अपने कुएं में। क्या हुआ? वो कुएं में। क्या हुआ कुएं में? अब आइए मालिक। ठीक है, चल। अरे बाप रे बली, भैया क्या भैया आप यहाँ पर लेटे हुए हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ भैया, ये मुश्किल की घड़ी है भैया, हमें हिम्मत से काम लेना होगा और पापा को भी हिम्मत देनी होगी। मैं अपने आप को हिम्मत नहीं दे पा रहा हूँ तो पापा को क्या हिम्मत दूंगा? मैं कैसे आपको समझाऊँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, आप उठिए, हम घर चलते हैं, ठीक है ना? चलो भैया, पापा घर पर अकेले हैं, प्लीज भैया चलो ना, प्लीज चलो, उठो भी। सुनिए सुनिए,
आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। सुनिए ना, माँ ने फोन किया था। क्यों, कोई खुशखबरी है जो पूछ रही है? शादी हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी खुशखबरी कैसे पूछेंगी? 2 महीने हो गए क्या? तेरे साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे भी, लेकिन आपसे बिछड़कर 2 दिन कैसे रहूंगी पता नहीं। हाँ क्यों, 2 दिन मुझसे बिछड़कर रहने वाली हो क्या? ये सब नहीं हो सकता। मेरी मौसी की बेटी बड़ी हो गई है, मुझे जाना ही होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये लड़कियों का मामला है, आप नहीं आ सकते और ससुर जी भी आपको नहीं आने देंगे, और सिर्फ 2 दिन की तो बात है। 2 दिन तुम कितनी आसानी से बोल रही हो, मैं तुमसे अलग 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, पता है ना तुझे। अच्छा, और अगर मैं अचानक मर गई तो आप क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। क्या जी, मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। मजाक में भी ऐसी बात मत करना। मैं तुमसे अलग 2 मिनट भी नहीं रह सकता, पता है ना तुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके घर पुलिस नहीं आएगी। आपके घर क्या, इस गांव में भी पुलिस नहीं आ सकती। उनकी जो ड्यूटी है उनको करने दीजिए। आज तक हमारे जमींदार को किसी के सामने हाथ बांधकर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप फिक्र मत कीजिए, जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस आपसे सवाल करें ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जमींदारी परंपरा पर एक धब्बा होगा। जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा, आप किसी बात को लेकर चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ शांत रहिए, ये काफी है। मैं कैसे शांत रह सकता हूं, एक ही वक्त में 2 जिंदगी। कुछ दिनों के लिए ये दुनियादारी और रिश्तेदारी से बाहर रहेंगे, तभी इस परिस्थिति से निकल पाएंगे आप। इस दुख से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। मालिक, आपने बुलाया क्या? लेकिन जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप गुस्सा मत कीजिए, वक्त हर जख्म का मरहम होता है और वक्त के पास सब हल है। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, अगर आप कहेंगे तो पुलिस के पास चले जाएंगे। सुनो, भाई को कुछ पीने को दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मालिक का ख्याल रखना, इनको कहीं अकेले जाने मत देना। ख्याल रखना इन सब बातों। ठीक है मालिक। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। पशुपति। मालिक, कहाँ जा रहा है? हमने जिसको बंद किया है ना मालिक, उसको खाना देने जा रहा हूँ। वो यही है, उसको छोड़ा नहीं? नहीं मालिक। ठीक है, उसे खाना देकर छोड़ दो। ठीक है मालिक। रात को मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है मालिक। रुद्र कहाँ है? छत पे है मालिक। ठीक है, जा। तू है क्या? ए, तू ऐसे घूर के क्या देख रहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
तुम्हारा जमींदार इसी तरह का खाना खाता है क्या हमेशा? जो दिया है चुपचाप खा। हाँ, तेरे हाथों का खाना खाने से बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? कहीं जहर बहर मिला दिया तो? मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा भला? हाँ हाँ, तू मुझे जहर क्यों देगा? अच्छा मुझे एक बात बता जरा, उसके घर वाले शांत हो गए हैं क्या? अरे तो चुपचाप खाना खा, तू अपनी लंबी जबान की वजह से आज यहाँ फंसा हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है मेरी जबान लंबी है, लेकिन तूने जो काम किया है उसके बाद तुझे कहाँ होना चाहिए? तुम्हें खाना खाने के बाद जाने के लिए बोला है, तेरी जबान जितनी चलती है ना तुम्हें तो यहीं बंद करके रखना चाहिए। 30 एकड़ में नारियल का काम एक अकेले आदमी से तुम लोगों ने करवाया है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, एक खंभा तो लाके पिला मुझे। देख मुझे इन सब की आदत नहीं है, मुझे मंदिर जाकर दिया जलाना है, तू खाना खाकर चुपचाप निकल जा या फिर दूसरी लॉरी आ रही है उसका भी काम करेगा। सुन अगर तू टाइम पे काम नहीं किया ना तो दूसरी के बाद तीसरी लॉरी का भी काम करना पड़ेगा, समझ गया ना तू? नहीं, खाना खा के मैं निकल रहा हूँ। ये डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। पापा? हाँ? आपने खाना खाने से मना कर दिया, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी पापा। मैं दूध पी लूंगा, तू जाकर खाना खा। मालिक खाना लगा दूं क्या? तुम खाना लगाओ, मैं इन्हें लेकर आता हूं। ठीक है मालिक। पशुपति जी। मालिक जो जा रहा है उसे बुला। किसको मालिक? अरे वो उसका नाम क्या है जिसे पकड़ा था। क्यों मालिक? बोला ना लेके आ। पापा उसे क्यों भेजा? जब वल्ली की मौत हुई तब मेरे घर पर बाहर का सिर्फ यही एक आदमी था, और ये कुएं के पास क्यों गई थी? वो खुद फिसल कर गिरी या फिर किसी और ने उसे? ऐसा मत सोचो पापा, भाभी का पैर फिसल गया होगा। तू चल, मालिक बुला रहे हैं, चल तो सही। क्यों रे? अरे चल ना। वापस नारियल की गाड़ी आ गई है क्या? मालिक मेरे घर पर क्या हुआ ये तुझे पता है ना? पता है। तू जहां था वहां से कुआं पास था, तूने कुछ देखा? उस रात को करीब 11:30 बजे होंगे, नींद नहीं आ रही थी तो मैं बैठा था, तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं उठ गया, तब मैंने देखा कि कोई शख्स जा रहा है। अंधेरा था इसलिए मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया था। वो दिखने में कैसा था? वो कद काठी से अपने छोटे मलिक जैसा था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मालिक ये बड़े घर का मामला है इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मालिक अभी भी आपने पूछा इसके लिए बोला, वरना मैं कुछ बोलता नहीं। ठीक है जा। सुन मालिक, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा मालिक, तुम जाओ। पशुपति। मालिक मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छिपा रहा है, तो चुपचाप उसका पीछा कर। ठीक है मालिक। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, सब मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है मालिक। खाना वेलू है, तू जा। ठीक है मालिक। हाँ रुद्रा, वल्ली की मौत में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। ठीक है तुम जाकर खाना खाओ। और आप?
दम को। ये पशुपति चोरी छिपे अभी कहाँ जा रहा है रे? ओए देख जमींदार, वो चोरी से जाए या खुले आम जाए, इससे तुम्हें क्या करना है? दूसरे के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो। अरे ऐसा नहीं है, इस गांव में कुछ गलत ना हो इसका ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना। बड़ा आ गया गांव का रक्षक। अरे पहले खुद की तो रक्षा कर। उसको छोड़ो जमींदार, वो तो हर बात में रोक टोक करते रहता है, उसकी आदत है। आप रुकिए, मामला क्या है मैं देख कर आता हूँ। तुम्हें कुछ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर देख के आता हूँ। तुम देखते रहो जमींदार, मैं अभी आता हूँ। जमींदार ये जब तक है आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इससे जरा संभल कर रहना। पशुपति लुका छुपी खेल रहा है। इंसान किसी मुसीबत में है, ये सब तुझे समझ में नहीं आता और मजाक कर रहा है? यही तो क्यों रे, क्या हुआ? बात सुनो जमींदार, वो पशुपति जो खेल खेल रहा है ना, मैंने कहा मुझे भी खेलना है तो मुझे मार मार के खेल में से भगा दिया। उसने ऐसा किया? रुक जाओ जमींदार, मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। क्या सुबह राव, मैं तुझसे मिलने आने वाला था और तू सामने आ गया। हाँ यार, बहुत सारा काम था, अभी तो मैं वर्मा तक जाकर आया हूँ। कौन है ये, इस गांव में नया दिख रहा है? पशुपति मेरे आदमी को खेल में शामिल नहीं करेगा कह रहा था। बस हो गया, बस हो गया, सब कुछ बाहर आ गया रे। चल, यहाँ से। ए कुंजी, पशुपति ने तुम्हें भी मारकर भगा दिया ना टप्पू में। हाथों से नहीं, लातों से मारा मुझे। लातों से मारा क्या? देखा जमींदार जी, कहा मारा बता? हाँ जमींदार, उधर ही मारा मुझे। उस नौकर की इतनी हिम्मत, उसने मारा, मैं अभी उसे देखता हूँ। जाओ जमींदार, जाकर पूछो। अरे जमींदार, मैं अभी भी कहता हूँ उसके पास मत जाओ, हम लोग जो लेकर आए वही बहुत काफी है, हड्डी पसली तोड़ देगा, समझे ना? तू चुप कर, एक बड़ा इंसान जा रहा है और तू उसे रोक रहा है। जमींदार आप जाओ, मैं उसे बताता हूँ। अरे यार, वो बेचारा है, उसे क्यों फंसा रहा है? देखिए यार, अगर तू उस पर दया दिखाएगा ना तो जिंदगी भर वो घर हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। मुझे एक बात बता, तुझे घर चाहिए कि नहीं? तो तू थोड़ी देर शांत रहे। अब ये काम तेरे से होगा क्या? तो इस सिंह रासु के बारे में क्या जानता है? कैसे करेगा? मैं कब कैसे और किस तरह से काम करूंगा ये मत पूछ। काम बराबर हो रहा है कि नहीं बस वही देख तू। मेरे माल का क्या हुआ भाई? तू सिर्फ काम को अंजाम दे। आज तक जो छोटे छोटे काम का मिल रहा था ना, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा तुझे, समझा? क्या बोलता है? फिर ठीक है, काम होने के बाद मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम बार बार इस गांव में मत आना, कहीं जमींदार को खबर हो गई ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं इस गांव में रह नहीं पाऊंगा। ये क्या जमींदार की बात कर रहा है? आसानी से काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं पक्का प्लान कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल भाग यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गुंटूर जा रहा हूँ, काम पूरा कर देना। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। ये तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है। तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? जब देख मुझे परेशान करता है। काम वाले किधर गए, ये किधर गया, वो किधर गया, मुझसे पूछ रहा है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, ये लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दोनों? लगता है उसको अपने खेल में मिला लिया होगा। नहीं तो क्या, वो जमींदार है, तुझे पता नहीं वो खेलने में माहिर है। अरे जमींदार, ये क्या हालत हो गई आपकी? अरे जमींदार, ऐसा ही होता है। आपकी धोती किधर गई? अरे ऐसा कुछ नहीं है रे, वो पशुपति है ना। अच्छा, वो अपना धोती ढूंढ रहा था, किधर गया किधर गया, इसलिए मैंने अपनी धोती उसे दे दी। देखा कुंजू, अपने जमींदार का दिल कितना बड़ा है। अच्छा, कोई बेइज्जत नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी धोती निकाल कर दे दिया। अरे जमींदार, वो पशुपति है ना, आपको झुका कर कुछ दे रहा था क्या? वो मुझे ना धन्यवाद बोल रहा था। धन्यवाद बोला, लेकिन धन्यवाद झुका कर देते हैं। अरे धोती दिया है ना, वो सब छोड़ो, ये नाक से खून क्यों आ रहा है? नाक है तो खून भी आएगा, सर्दी भी होगी, ऐसी बातें कभी जमींदार से मत पूछना, समझा गधे? पशुपति जी। मालिक, मैं कलेक्टर से मिलकर तालाब के बारे में बात करके आता हूँ। रुद्रा का चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा लगता है
जैसे उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है मालिक। मालिक वो सिंगरासु? हाँ, कल तुमने उसका पीछा किया था ना, क्या हुआ? मालिक वो ठीक इंसान नहीं है, मैं कल रात ही आपको बताने आ रहा था लेकिन आप सो गए थे। वो ठीक इंसान नहीं है, किसी अनजान आदमी से मिलकर बात कर रहा था, वो अपने गांव का भी नहीं है। वो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ये तो मैं ठीक से नहीं सुन पाया, पर बीच में वो मानिक आकर सारा काम बिगाड़ दिया। मुझे सिंगरासु पर शक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अगर उसको पकड़कर मारेंगे तो हो सकता है वो सच बता दे। ठीक है, तू अभी उसका पीछा मत। ठीक है, मैं देख लूंगा। तू रुद्रा को लेकर जा, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। ठीक है। अरे कुंजू, सुबह से जमींदार दिख नहीं रहा, कहीं फंस गया बेचारा। अरे तुम्हें वो बात पता नहीं है क्या? नहीं पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ। वो अपना गया गुजरा जमींदार है ना, उसको घर के काम के लिए काम वाली चाहिए थी। है? उसने क्या किया पता है? क्या? सीधा सिंगारासु की बीवी के पास जाकर कहने लगा, घर पे आएगी क्या, घर पे आएगी क्या, घर पे आएगी क्या। उसने गलत समझ लिया और उसने सीधा जाकर अपने पति को बोल दिया, और रासू ने रातों रात हमारे जमींदार की हड्डी पसली एक करके रख दी। अरे उसकी हड्डी पसली एक करने पर वो इंसान जिंदा रहेगा क्या? अरे वो कहाँ मरा, पत्थर की तरह अब तक जिंदा है। इतना मार खाने के बाद भी वो जिंदा है, वो कब मरेगा और हमको कब घर मिलेगा? ए, एक दिन वो जरूर मरेगा और हमें घर जरूर मिलेगा। ऐसा क्या? हाँ, इसीलिए अभी हम लोग उसका काम करते हैं, समझे? क्या है कुंजू, जरा उधर देख, क्या इस तरह से आ रहा है? उसने मुझे पूरी तरह धो डाला। ये क्या है रे? मुझे लगता था कि ये बिस्तर पर लेट गया होगा, लेकिन ये तो अच्छी तरह से साइकिल को धक्का मारते हुए आ रहा है। ये मार खाने के बाद भी दर्द नहीं होने का नाटक कर रहा है, चल चल के देखते हैं। तुम लोग किधर जा रहे हो? क्यों जमींदार? ऐसे ही पूछ लिया। क्या हुआ जमींदार, आप ऐसे टूटे फूटे क्यों लग रहे हो? बस ऐसे ही, कल रात को सिंगरास के घर पर गया था, उसकी बीवी को काम करने के लिए बुलाया था, पर काम ही नहीं बना। कैसे होगा? अरे घर पे जो काम करते हैं वो काम। और बोलिए, जिस काम के लिए मैं गया था वो नहीं बना यार। आप ठीक तो हो ना? नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए दर्द हो रहा है दिल में। आओ आओ आओ, जमींदार आपको जिस जगह पर तिल है ना, वो जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। जमींदार जी, ये सब छोड़िए, उधर एक बार देखिए। ये तो क्या बोल रहा है रे? उसकी बीवी आ रही है, देखिए। वो इधर ही आ रही है, हम लोग यहाँ से भाग चले। नहीं, क्या? चलो चलो, कुछ नहीं करेंगे आप। वो क्या बोलती है पहले उसका सुनते हैं। अरे जमींदार ठीक है, तू क्यों रो रही है? चुप हो जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। थोड़ा गैप मिलते ही ये बुड्ढा कैसे इस औरत के कंधे पर हाथ रखकर उसको सहला रहा है। देख, ये बुड्ढा कभी नहीं सुधरने वाला है। आपको भी पता चल गया क्या? घायल तो मैं भी हुआ हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? बहुत बड़ा अन्याय है ये। अन्याय हुआ है ना, अन्याय हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या कर सकते हैं? ये बात तो पूरे गांव को पता है। जमींदार इधर आ जाओ। इस बात के लिए उसे मार डालेंगी क्या? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा भी हूँ। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति की बात कर रही हूँ। मार दिया रे, उसे मार दिया। मैं बड़े जमींदार के पास जाऊंगी, इस बात का न्याय मांग कर लूंगी मैं। सुन रे कुंजू, उसको मार डाला क्या? हमने तो सोचा था कि सिंगरासु उसको मार डालेगा, लेकिन उसको किसी और ने मार डाला। जमींदार को मारने के लिए हम क्या करें? उसे मार डाला क्या? आपने मार डाला क्या? ये तो क्या बोल रहा है? देखो जमींदार, हम दोनों को आपके बारे में सब कुछ पता है। कल आपके और सिंगरासु के बीच में झगड़ा हुआ था, तो इसके लिए उस झगड़े में आपने गुस्से में सिंगरासु को मार दिया। सही बोल रहा है, ऐसा हमने कई फिल्मों में देखा है। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम दोनों मिलकर मुझे जेल भिजवाओगे क्या? मुझे पता है तुम दोनों मुझे जेल भिजवा कर ही दम लोगे। मेरे पति का गला काट कर मार डाला रे। ये सब कब हुआ? मुझे नहीं पता। ए मालिक पूछ रहे ना, तू ठीक से बता। रात में वो घर पर नहीं आए तो मैंने सोचा कि पीकर कहीं पड़े होंगे, इसीलिए मैं लापरवाही से उनको ढूंढने नहीं गई। पशुपति मालिक, तू एक काम कर। बोलिए मालिक। तू इसके साथ जा, मणिकरी को भी साथ ले जा, बाकी का काम तू देख, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है मालिक। ये सब किसने किया है हम उसका पता लगाते हैं, मैं सब देख लूंगा। तुम जाओ, इसे लेकर जाओ। ठीक है मालिक, चलो आ जाओ। मालिक ने कहा ना सब देख लेंगे। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ।
मालिक, छोटे मालिक को मैंने समझाया, वो नहीं समझे। सूटकेस निकाल, हाँ, निकाल के रख दिया। रुक जाओ, मेरे समझाने पर तू नहीं मानेगा ना? मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूँ पापा। उसका प्यार तेरी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। तू पहले वाला रुद्रा नहीं रहा। भाई के मरने के बाद तू इकलौता वारिस है, कहीं इस बात का घमंड तो नहीं हो गया तुझे? जब तक मैं हूं तू उसे शादी करके इस चौखट पर नहीं आ सकता। भैया ने जो गलती की मैं वो नहीं करने वाला हूं। चुप कर, तेरे भाई की बात करने की तेरी औकात नहीं है। कुछ बातों को दिल में दफन करके अगर मैं खामोश बैठा हूं मालिक, तो जमींदारी परंपरा की मान मर्यादा के लिए अगर तेरी शादी की वजह से सब कुछ बिगड़ने वाला है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मेरे सवाल का जवाब देकर जा। मालिक, छोटे मालिक तो नहीं समझ रहे, आप गुस्सा ना करें। जब तक आप यहां पर हैं मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा, चलता हूं। देवकी, ये भी मुझे छोड़कर चला गया। मालिक, 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 अब हमें समय को नष्ट किए बिना जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। मालिक, छोटे मालिक, यहां आओ पशुपति। आ रहा हूं मालिक। कहां है आप छोटे मालिक? छोटे मालिक, हां बोलो ना, यहां आओ पशुपति। आ रहा हूं मालिक। मालिक, मालिक, मुझे यहां बुला के खुद कहां चले गए? मालिक, आ गया तू? क्यों? सिर्फ छोटे मालिक से ही मिलेगा? और मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूं, उसका क्या मुझसे नहीं मिलेगा? कौन? छोटी मालकिन? छोटी मालकिन नहीं, बड़ी मालकिन। हाँ?
मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। बताइए क्या हुआ आपको? नहीं, मुझे छोड़ दो। जेल से भागकर आए हैं आप? माफ कर दो, मुझसे क्या हुआ? इधर देखो, मुझे छोटे मालिक से आपकी जमानत की बात की थी, इससे पहले आपको भागने की जरूरत क्या थी? आप क्या कह रहे हो? गई उस दिन मेरा दिमाग कैसे खराब हो गया पता नहीं। क्या कह रहे हैं आप? उस दिन वो घटिया दारू पीने की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्या? मैं तो डर गई थी। पानी चाहिए क्या? नहीं, मुझे आप चाहिए। ए, क्या बात कर रहा है तू? पिया है क्या तूने? बाहर जा, कल हिसाब किताब करती हूँ तेरा। पशुपति, मंदिर में दिया जलाने जा रहा है क्या? नहीं, किसी और काम से जा रहा हूँ। तुझे क्या? बहुत जरूरी काम है क्या तुझे? तेरा जाना जरूरी है क्या? ये नहीं बताएगा तो चलेगा, लेकिन तू दो दिन से मेरा पीछा क्यों कर रहा है ये बता मुझे। मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ? पागल है क्या? सच कहूँ तो तेरा पीछा मुझे करना चाहिए। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। वो बेचारी पेट से थी, उसको तूने क्यों मारा? ए, क्या बोल रहा है? मैंने उसे कब मारा? ए, मुझे सब कुछ पता है और वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात को मैं नहीं सोया था और तू भी नहीं सोया होगा, मुझे पता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, ये बात तुम किसी को मत बताना। ए, उठ रे, उठ 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 जा रहे, उठ उठ उठ। किसी को बताना मत काली। ये सब रहने दे। उस रात को मैं बिल्कुल सोया नहीं था। क्यों, ये पूछेगा नहीं? क्यों? उस रात को मुत्तो मुझसे मिलकर गया था। काली भाई, सुन रहे हो?
हो क्या? कौन है? ए, तू इधर क्या कर रहा है? आपसे बात करनी है। ठीक है, क्या बात है बोल। मैंने सुना है अपने गांव के मंदिर में बहुत कीमती सोने की मूर्ति है, तो इसके लिए ये सब छोटे छोटे काम करना बंद कर दे। एक बड़ा हाथ मारते हैं और एक साथ सेटल हो जाते हैं। ए, वो जमींदार का मंदिर है। किसी का भी हो उससे हमें क्या, हमें अपना काम करना है। उसके लिए क्या करना है सिर्फ ये सोच। तू तो इतनी आसानी से बोल रहा है, लेकिन मैं कैसे? मुझे वो सब नहीं पता, मैंने काम बता दिया, अब काम खत्म कैसे करना ये तू सोच। ठीक है तुझे, किसी ने तुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। वो तो आसानी से बोलकर चला गया, लेकिन वो तो जमींदार का मंदिर है, कैसे करूंगा मैं ये सब कैसे करूंगा ये सोच ही रहा था, तभी तू अपनी गोद में लाश लेके आया। तो मैं पूरी रात सोचता रहा कि मंदिर की चाबी तेरे पास रहती है। उस दिन जब तू खाना देने आया था तब तूने ही मुझे बताया था ना। उस दिन जब मालिक ने खूनी का नाम पूछा था ना, तब मैंने तेरा नाम नहीं लिया था, पता है क्यों? उसमें मेरा फायदा नहीं था। ठीक है, वो सब बात जाने दे, मुद्दे की बात कर। मंदिर की चाबी वो घर पर है। कब देगा तू? कल दूंगा। कल चाबी लेके आ जाना, ठीक है? जिसने भी मुझे इस हाल में पहुंचाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। अगर मालिक गलती से पुलिस स्टेशन चले गए तो पुलिस को सब कुछ मेरे बारे में सच से पता चल ही जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए। तुम यहाँ पर क्या बात है? मालिक, ये बात मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है वो बताओ। मालिक, अगर ये बात बाहर चली गई तो मेरी मौत निश्चित है। अरे बोलो ना। आप मुझे वचन दो कि ये बात आप ना किसी से पूछेंगे और ना किसी को बताएंगे। किसी को नहीं बोलूंगा, बताओ। आप मुझे वचन देंगे तो ही ये बात मैं आपको बताऊंगा। वचन दिया। मुझे अब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपनी बड़ी मालकिन बल्ली के मौत के जिम्मेदार जमींदार हैं। क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ मालिक, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैं बड़ी मालकिन के हाथों से खाना खाया है, इसीलिए मैं अपना फर्ज समझकर ये बात आपको बता रहा हूँ। और अपनी कुलदेवी की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बात मैंने आपके अलावा और किसी को नहीं बताया है। मालिक, क्या हुआ? आपने कहा था कि आज मंदिर जाना है। आजकल भगवान पर से भी विश्वास उठने लगा है। सोचा था मंदिर जाकर मन को थोड़ा शांत करके आऊंगा,
अगर भगवान सच में होता तो ऐसा होता क्या? मालिक, मैंने आपको इस तरह से कभी निराश नहीं देखा। सब तकदीर का खेल है। ये तकदीर नहीं, साजिश है मालिक। तो ये क्या बोल रहा है? बड़े मालिक, मेरी जुबान फुसल गई। आप चलिए ना मालिक। तो कुछ बोलने वाला था, बोल क्या बात है? मालिक, आप ये बात मत सुनिए। बोलने के लिए बोला ना मालिक। कौन सी साजिश? इस बारे में आप ना सुने तो अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिएगा मालिक। तू अभी बता रहा है कि नहीं? मालिक, आप बड़ी मालकिन की कसम खाकर कहो कि आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप मेरा गला भी काट देंगे, तब भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी मान मर्यादा जरूरी है। मैंने आपका नमक खाया है मालिक। ठीक है, उठ जा। मैं अपनी बेबी देवकी की कसम खाकर कहता हूं, बोल। मालिक, अपनी बल्ली मालकिन के मौत के जिम्मेदार अपने छोटे मालिक हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो पैर फिसलने से गिरी या किसी और ने उसे? ऐसा मत सोचो पापा, उनका पैर फिसल गया होगा। वो दिखने में कैसा था? वो कद काठी में छोटे मालिक जैसा था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये बड़े घर का मामला है मालिक, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था मालिक। मेरी गलती की वजह से जमींदार के घर की परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू कहां तक मुझसे भागेगा? नहीं बचेगा तू। हमें कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में? 2-3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। मेघना, इनसे आशीर्वाद लो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। के परिवार के सभी कष्ट कल रात को पूरी तरह खत्म हो गए हैं। आपने जिसे अच्छा समझा वो अच्छा नहीं था, जिसे आपने बुरा समझा वो बुरा नहीं था। भगवान की शक्ति के सामने कोई दुष्ट आत्मा कभी नहीं जीत सकी है। आज के बाद सब शुभ होगा। ठीक है स्वामी जी। आप सब लोग खुशी से जियो। फिर वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे है ना दादाजी? हाँ, बहुत खुशी के साथ। अश्विनी, श्री, किधर हो तुम दोनों? माँ बुला रही है, चलो टाइम हो गया, जाओ जाओ। ओ, जाओ, जाओ। गई। तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं हो? दादाजी से कहानी सुन रहे थे। लगता है अब तुम दोनों झूठ भी बोलना सीख गई हो। आजकल तुम दोनों बहुत बिगड़ गई हो। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। फिर ये कौन है?
दादाजी तो यहाँ पर सो रहे हैं, तुम झूठ बोल रही हो ना? पर दादाजी वहाँ कहानी सुना रहे थे, है ना? हाँ दी। तो वहाँ कहानी कौन सुना रहा था?